the class of physics. Today we are going to do the numericals based on calculus method. Okay, what is the today's topic? That is numericals based on calculus method. It means integration, जो हमने पीछे किया है derivative, उसके ऊपर है. So what are the formulas to be used? Formulas are v is equal to dx by dt, velocity displacement का derivative है, और जो acceleration होती है that is dv by dt, और वो velocity का derivative होता है. Velocity displacement का derivative और acceleration velocity का derivative. Okay, so let us do the first numerical. How the statements are given? Numerical first. The displacement of particle moving in one dimension, the displacement of a particle moving in one dimension is related to time as t is equal to under root x plus 3. Under root सिर्फ x के ऊपर है. तो एक इक्वेशन दी है जिसमें x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और आप उसमें कैसे रिलेटेड एक इक्वेशन के थ्रू दिए हुए हैं. x मीटर में है, ये बोला गया आपको, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स. इट मीन्स क्लियर हो जाता है, x इन मीटर में है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, t सेकेंड्स में है तो टाइम हो गया. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी जीरो. क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. तो हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करना है उसकी डिस्प्लेसमेंट कब, जब वेलोसिटी जीरो है. तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी जीरो करने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बनानी पड़ेगी. तो यहाँ पे टाइम अपने को दिया तो हुआ है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री. ओके, तो अंडर रूट उधर है, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा. सो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर. ओपन इसको अगर हम करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्सटीन. डिस्प्लेसमेंट की पहले तो इक्वेशन बना लेंगे, अब आपको वेलोसिटी बनानी है. पहले वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt. वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव का रूल अगर ध्यान है, इसमें तो टाइम करना है. पावर जो है, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाती है, प्लस एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो होता है, माइनस सिक्स, कॉन्स्टेंट अकेला नहीं है, ठीक है. ठीक है, पावर यहाँ वन है, वन आगे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी. सो वेलोसिटी क्या बन गई, यहाँ टू टी बन जाएगा, पावर वन है प्लस जीरो कदम, सिक्स इंटू वन, टी की पावर जीरो, वन होता है तो माइनस सिक्स. सो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई टू टी माइनस सिक्स. वेलोसिटी क्या बनी, टू टी माइनस सिक्स. तो वेलोसिटी जब हम आगे, हमने सबसे पहले चेक करना है कि जब वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो है, तो वेलोसिटी को जीरो पुट करके देखो. नाउ वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कितनी है, टू टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. सो टू टी इज इक्वल टू सिक्स, टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड्स. इसका मतलब तीन सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो है. अब क्वेश्चन क्या था कि जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, पहले तो हमने वो टाइम निकाल लिया कि जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो, अब इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालो. अब डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन है उसमें टाइम ही रख लो, क्योंकि इतने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी. क्यों, क्योंकि ये टाइम वो था जहाँ वेलोसिटी जीरो थी. तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में ये टाइम रख लो, एक्स इज इक्वल क्या, टी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस नाइन माइनस सिक्स इंटू थ्री, नाइन इंट नाइन एटीन माइनस एटीन, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है. इसका मतलब जब वेलोसिटी जीरो है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, जीरो. तो क्वेश्चन क्या था कि एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको दी हुई है विद टाइम रिलेशन दी हुई है. तो आपको पूछा क्या गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसकी वेलोसिटी जीरो है. तो वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव हो, तो पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी. तो यहाँ से हमने थ्री इधर लिया, अंडर रूट इधर आकर स्क्वायर कर दिया,
ओके सो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, इसको सॉल्व कर दिया फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी बनती है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या इसको टाइम इट बिकम्स वेलोसिटी, सो वेलोसिटी डेरिवेटिव करके ये आ गया 2t - x। अब सर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट तब निकालो जब वेलोसिटी जीरो है, तो पहले वेलोसिटी को जीरो करो, वेलोसिटी वैल्यू कितनी 2t - x, तो 2t - x जीरो, तो वहाँ से टाइम आ गया 3 सेकंड्स, क्या मतलब 3 सेकंड का वो टाइम है जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, तो 3 सेकंड में वेलोसिटी जीरो हो तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, उसने पूछा क्या था जब वेलोसिटी जीरो है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो 3 सेकंड में वेलोसिटी जीरो है तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन बनी थी उसमें टाइम 3 सेकंड पुट किया तो हमने क्या मिला कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, इट मीन जब वेलोसिटी जीरो थी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल 2, व्हाट इज गिवन, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves along z axis in such a way that its distance from origin varies with time as equation अपने को दी हुई है z² = t² + 1, तो z यहाँ पे डिस्टेंस ही है ओके, क्योंकि डिस्टेंस z एक्सिस पे, तो z लिख दिया उसको। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है एट टाइम t ओके। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो अपने को डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए अपने को डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है x का, तो x यहाँ पे z लिखने का बात एक ही है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर को पहले आप सॉल्व कर लो उधर, ये z इज इक्वल क्या बन जाएगा t² + 1 का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर कितना 1/2। सो आप करो v इज इक्वल टू dz/dt, डेरिवेटिव में क्या होता है अगर होल पावर है तो होल पावर पहले आगे आ जाएगी और फिर उसका डेरिवेटिव स्टार्ट होगा ऊपर एक पावर माइनस करने के बाद, पहले 1/2 आ गए तो t² + 1 ऊपर एक पावर माइनस 1। अब वेरिएबल जो है उसका डेरिवेटिव होगा इसका, t² का क्या बनेगा (2t) बनेगा ऊपर 2 - 1 हो जाएगा, प्लस 1 है 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। सो वेलोसिटी क्या बन गई, दिस इज हाफ t² + 1 ऊपर -1/2 बचेगा इसकी पावर -1/2 (2t) बचा, ये 2t आगे आ जाएगा इधर ओके, सो वेलोसिटी विल बी 2t/2, ये ऊपर हाफ है तो नीचे जाके ये +1/2 लिखी जा सकती है वैल्यू, इसको ऊपर ही रहने, तो वैसे t² + 1 के पावर -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, बाहर t बचा, तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, t (t²+1) की पावर -1/2, ये तो अपने पास क्या आई वेलोसिटी। अब हमने करना क्या है, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन में क्या होगा वेलोसिटी का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करते टाइम एक बात आपने पहले ध्यान में रखनी है कि ये दो पार्ट्स में है, जैसे एक u है एक v है ठीक है, दो पार्ट्स का हमने किया हुआ है कि u और v में हो तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे एक और फॉर्मूला है कि हर पावर पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव कैसे बन सकती है, इट विल बी t/t² + 1 की पावर नीचे 1/2 बनेगी डिनोमीटर में जाके। अब ये u/v बन गया, u/v का हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया हुआ है, क्या होता है वो कि जो डिनोमीटर है मतलब v as it is को हम ये लिख सकते हैं t² + 1, क्योंकि 1/2 था, √ बन गया, और डेरिवेटिव ऑफ u t है तो t का डेरिवेटिव तो 1 बनेगा माइनस ओके,
u as it is, or u t as it is, derivative of v, derivative of v, denominator का जो derivative अगर हम करेंगे, इसका derivative करेंगे तो क्या आएगा, power जो है वो आ गया जाएगी 1 by 2, और ऊपर t square plus 1, power 1 by 2 minus 1, t square का into 2t हो जाएगा, divide by क्या होता है, जो denominator है, उसका square, denominator है, t square plus 1 की power 1 by 2, इसका स्क्वायर साइज है, स्क्वायर करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर एम प्लस वन ही बच जाएगा, एक ये बचा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन माइनस ये वन बाय टू है, तो ये टी बाय टू हो गया बाहर, ये टी ये टू बाय टू, ऊपर क्या ये टी स्क्वायर प्लस वन की पावर माइनस वन बाय टू, ये टू टी इधर आ जाएगा, तो ये टू टी भी आ गया, टू से टू कैंसिल, टी का स्क्वायर बच जाएगा बाय में टी स्क्वायर प्लस वन, तो एक्सप्रेशन विल बी टी स्क्वायर प्लस वन माइनस यहाँ टी स्क्वायर बचा और बाय में इसको टी स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट लिख दोगे, ऊपर नेगेटिव नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन, ओके। सो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करना चाहें, और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन, तो इधर वन है नीचे, तो इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म चेंज से मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस वन है, सो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ऊपर वन बचेगा, ये वन बाय टू पावर नीचे जाएगा, वन पहले है और वन बाय टू पावर और मिल जाएगी, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन विल बी टी वन बाय टी स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री बाय टू, ओके। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, टी स्क्वायर प्लस वन क्या था, जेड का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस वन को हम जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं नीचे, तो ये बन गया वन बाय जेड स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, उसे तो कैंसिल, वन बाय जेड क्यूब आ गया, तो एक्सेलरेशन आ गया वन बाय जेड क्यूब, एक्सेलरेशन क्या आ गया, वन बाय जेड क्यूब। सो दिस इज द न्यूमेरिकल जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो डिस्प्लेसमेंट का पहले डेरिवेटिव करके वेलोसिटी बनेगी, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन बनेगी, ओके। और एक्सेलरेशन में जब हम डेरिवेटिव की एक्सेलरेशन के लिए बाय यू बाय वी डिवाइड बाय मेथड से किया, डेरिवेटिव में आपको बताया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो आपको कैसे करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डेज सेशन ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलस मेथड, answer question will be sent to you and you have to solve the questions, okay, till then thanks and have a nice day.